दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यह हमारा 700 प्लस एमपी करंट अफेयर्स का फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो एमपीपीएससी 2019 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सिर्फ एमपीपीएससी टेस्ट लिखना है और इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सेंड करना है। इसके लिए आपको केवल जो है 300 रुपये पे करने होंगे। ये कैसे करने हैं, जब आप इसमें मैसेज कर देंगे व्हाट्सअप में तो हमारी टीम आपसे संपर्क करके बता देंगे कि इसको कैसे पे करने हैं और आपको कैसे टेस्ट मिलेंगे। बाकी टेस्ट की जानकारी यहाँ दी गई है, कितने टेस्ट मिलेंगे, 35 टोटल टेस्ट रहेंगे और इसके अलावा सारी जानकारी नीचे दी है। इसके अलावा हम और छोटे छोटे टॉपिक जो कि एमपीपीएससी के लिए उपयोगी होते हैं वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा ने बालिका प्रोत्साहन से संबंधित किस योजना के लिए विधेयक पारित किया है। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो हमारी सीरीज चल रही है पूरी वन लाइन फैक्ट चल रही है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो पहले का आंसर क्या रहेगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने बालिका प्रोत्साहन से संबंधित किस योजना के लिए विधेयक पारित किया है, तो आंसर क्या रहेगा, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मोदी जी ने वार्षिक डीजीपी और आईजीपीज की बैठक को संबोधित किया था। तो देखिए यह वार्षिक बैठक होती है डीजीपी और आईजीपी लेवल की है, तो इसको कहाँ पर किया दोस्तों, ग्वालियर के टेकनपुर में। कहाँ पर, टेकनपुर जो है ग्वालियर में स्थित, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश जो है मोदी जी ने इस बैठक को संबोधित किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत और वियतनाम का पहला युद्ध अभ्यास भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। देखिए भारत और जो वियतनाम है इसके बीच में पहला युद्ध अभ्यास किया गया था जबलपुर में और इसका नाम था बिनबैग, जो आपको मैंने पहले भी जो है करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बताया था। और प्रश्न भी वही आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत और वियतनाम का पहला युद्धाभ्यास बिनबैक्स। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने सर्बिया में आयोजित गोल्डन ग्लव्स यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, दिव्या पवार। ठीक है, मतलब कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिव्या पवार ने जो है सर्बिया में आयोजित गोल्डन ग्लव्स यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई के तीसरे सप्ताह में सर्बिया में आयोजित गोल्डन ग्लव्स यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट में दिव्या पवार ने स्वर्ण पदक जीता हुआ रहने वाली हैं। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछ लेता है। ठीक है, तीन तरह से प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, एक तो जो समसामयिक विषय करंट अफेयर्स का कि उन्होंने जो है कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, यह प्रश्न बनेगा। दूसरा, दिव्या पवार का संबंध किस खेल से, तो आपको देखना होगा यहाँ पर बॉक्सिंग से इनका संबंध है। और तीसरा प्रश्न आपका आपको बनेगा कि दिव्या जो पवार हैं यह जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान से, कहाँ से दोस्तों, भोपाल से इनका जो है संबंध है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण से संबंधित जागरूकता लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। तो ऐप का नाम क्या है जो कि प्रदूषण से संबंधित जागरूकता लाएगा मध्य प्रदेश में, इसका नाम है पॉल्यूशन मीटर, मतलब कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सेकेंड प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किस नगर पालिका परिषद को वर्ष 2017-18 के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि वर्ष 2017-18 के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है, तो कौन सी नगर पालिका है मध्य प्रदेश की, तो इसका ऑप्शन बी मतलब कि झाबुआ नगर पालिका को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न है, देश के 111 स्मार्ट सिटी में हुए सर्वे के आधार पर मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का सबसे सुरक्षित शहर चुना गया है। यहाँ पर देखिए सुरक्षा की दृष्टि से देश में सबसे सुरक्षित शहर यहाँ पर चुना गया है, तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सागर को। किसको चुना गया है, सागर को जो है सबसे सुरक्षित शहर चुना गया है। कितने भारत के जो है स्मार्ट सिटी शहरों में, 111। अगला प्रश्न है, हाल ही में आगर मालवा जिले में ग्राम कुंडलिया में निर्मित बांध का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया था, उन्होंने इस बांध का नाम क्या रखे जाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए कुंडलिया में जो आगर मालवा जिला में स्थित है यहाँ पर बांध का जो है लोकार्पण किया गया है, तो इस बांध का नाम क्या रखा गया है, तो इस बांध का नाम रखा गया है अटल सागर बांध। क्या रखा गया है दोस्तों, अटल सागर बांध जो है इसका नाम रखा गया है। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 13 जुलाई 2018 को देश की चौथी नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन मध्य प्रदेश के किस
किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि देश की चौथी नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? यह किया गया इंदौर में। कहाँ पर किया गया? इंदौर में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? 13 जुलाई 2018 को। प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन का कालिदास सम्मान 2018 किसे दिया गया? तो मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठित सम्मान जो है कालिदास सम्मान किसको दिया गया है दोस्तों? इसका आंसर रहेगा अंजलि इला मेनन। ठीक है, तो अंजलि इला मेनन को जो है 2018 का कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है अगला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ताज़ा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को 7वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली दोस्तों? 7वां स्थान मध्य प्रदेश को इस रैंकिंग में मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश का पहला डिस्पोजेबल फ्री मार्केट घोषित किया गया है। मेघदूत चौपाटी प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर मेघदूत चौपाटी है, इसको जो है प्रदेश का पहला डिस्पोजेबल फ्री मार्केट घोषित किया गया है। कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में जो है यह मार्केट स्थित है। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की पहली ऐसी कम उम्र की खिलाड़ी जिन्होंने एशियन गेम्स 2018 में पदक हासिल किया है। तो सबसे कम उम्र की मध्य प्रदेश की खिलाड़ी जिन्होंने एशियन गेम्स में पदक हासिल किया है उनका नाम क्या है? हर्षिता तोमर। और हर्षिता तोमर के बारे में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब आपको कमेंट्स में बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, आप कमेंट्स मुझे जल्दी से करिए और बताइए। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की 16 वर्षीय हर्षिता तोमर ने जकार्ता में संपन्न हुए गेम्स में सेलिंग, यही मैंने आपको बता दिया पिछले आंसर, पिछले क्वेश्चन का आंसर, सेलिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है, वह किस जिले से हैं? तो आपको बताना है कि वह किस जिले से हैं दोस्तों? तो आंसर इसका रहेगा होशंगाबाद जिला। कौन सा जिला दोस्तों? होशंगाबाद जिला से यह संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4 से 11 सितंबर 2018, मतलब कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खाद्य अनुसंधान केंद्र अमलाहा में बनाया जाएगा या किस जिले में है? तो अमलाहा में जो है मध्य प्रदेश का खाद्य अनुसंधान केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है, तो यह जो है किस जिले में है यह आपसे पूछा है, तो आंसर क्या रहेगा? सीहोर जिले में। ठीक है, कहां पर दोस्तों? सीहोर जिले में इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी मध्य प्रदेश के मातृ मृत्यु दर के आंकड़ों में कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है? तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यहां पर देखिए यह प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? 48। ठीक है, 48 स्थानों अंकों की गिरावट दर्ज की गई है मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने मध्य प्रदेश के MPRCP प्रोजेक्ट के लिए कितनी धनराशि लोन के रूप में स्वीकृत किया है? तो आपको जो है नेट में सर्च मार के देखिए आप, और मुझे भी बताइए कि MPRCP क्या है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है कितनी राशि? $210 मिलियन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन में क्रियान्वित इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 22 से 24 अगस्त 2018 तक कार्यशाला कहां आयोजित की जाएगी? एक बार प्रश्न आपको वापस से पढ़ के सुना देता हूं मैं कि मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के कार्यान्वित इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 22 से 24 अगस्त 2018 तक कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई, यह प्रश्न आपसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पचमढ़ी में। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 22 और 23 अगस्त 2018 को सुभद्रा कुमार चौहान स्मृति समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? छिंदवाड़ा में। कहाँ पर किया गया? छिंदवाड़ा में यह जो है सम्मान आयोजित किया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न है, महिला एवं बालकों के पोषण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया दोस्तों? देखिए प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसका आयोजन किया गया, महिला एवं बालकों के पोषण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो दोस्तों यह था हमारा 700+ करंट अफेयर्स का 4th लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर मैंने लिंक दे रखी है वीडियो के नीचे, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम MPPSC टेस्ट के लिए, यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर 9129923763
6-2 में आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना। व्हाट्सअप क्या करना है, MPSC टेस्ट। और कृपया वही लोग व्हाट्सअप करें जिनको इसे परचेस करना है। और इसकी जो है फीस बिल्कुल नॉमिनल रखा गया है। कितनी है इसकी, 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये मात्र इसकी फीस है, ठीक है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।